नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरी वॉइस सभी तक क्लियर आ रही होगी। भाई वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? नमस्कार जी, कैसे हैं भाई आप प्यारे प्यारे साथियों, जितने भी फिजिकल एजुकेशन के एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो सेशन को शेयर कर दीजिए। देखिए, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए 2 मिनट पहले आ गया है, तो 2 मिनट तुम्हारा वेस्ट नहीं करूंगा। किसी भी तरीके से कुछ बता दूंगा आपको मुख्य बातें, जैसे कि आपका HSSC का एग्जाम भी होने वाला है, तो HSSC के एग्जाम में अभी घबरा रहे होंगे बहुत सारे बच्चे, कंफ्यूज हो रहे होंगे, होजपोज हो रही होगी बहुत तरीके से। ऐसा होता है अक्सर, इसको बोलते हैं एंजाइटी, इसी को एंजाइटी बोलते हैं, कि आपको आते हुए भी बहुत चीजें आप क्या है कि मिस कर रहे होंगे, कहीं ऐसा लग रहा होगा कि यार नहीं यार ये चीज तो यार अब आ नहीं रही है। एट द एंड फाइनल अब जो ये चीज आ रही है उसमें सिचुएशन को देखते हुए आप घबरा रहे हैं। और जिन लोगों का KVS में सिलेक्शन हो गया है इंटरव्यू के लिए, बहुत बहुत बधाई उनको, आपकी मेहनत रंग लाई। जिनका 1 नंबर से 2 नंबर से रह गया है, तो भैया आप यूं सोचो कि हमारी मेहनत में कुछ कमी हो गई थी। जिस दिन ये बात आने लगेगी कि हमारी मेहनत में कमी रह गई थी, उस दिन सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी। कभी भी दूसरों को मत कोसो, खुद को ही कोसो हर चीज के लिए। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अभी हमारे पास में 1 मिनट और है, 1 मिनट में हम सेशन स्टार्ट करेंगे। और बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आपके लास्ट में भी पूछ सकता है, कमेंट बीच में ना करे करें। तो पुरानी वीडियोस हमारी देख लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने 4 मैराथन बना रखी है, चारों की चारों मैराथन देख के चले जाएंगे। तो 50 में से मैं यूँ कह सकता हूँ कि आपके 40 क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। 10 क्वेश्चन अगर इधर उधर से ना आए, तब भी मैं फिर भी कह सकता हूँ कि अगर मान लो फिर भी थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पेपर बना दिया, तब भी उसी में से आएंगे। तो चलिए सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट से, सो दैट सभी जुड़ सकें, लाइव आ सकें सभी के सभी। फिर हम ले लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी HSSC की तैयारी कर रहे हैं भैया, 4-5 दिन रह गए हैं आपके, 5 दिन, और 5 दिन में आपको जबरदस्त तरीके से बस रिवीजन करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। मैं भेजता रहता हूँ आपको, तो PYQ ज्यादा लगाने हैं फिजिकल एजुकेशन के। उसके अलावा पेपर 1 में भी है, देखो एनवायरनमेंट है, इसके लिए अड्डा पे सारी वीडियोज अवेलेबल है, अलग अलग मैराथन अवेलेबल है, CDP है, इसकी मैराथन अवेलेबल है तो ये देख सकते हैं, रोड सेफ्टी की क्लासेस अवेलेबल है वो देख सकते हैं, और हरियाणा जी के बहुत ही शानदार प्रदीप पहल सर ने पढ़ा रखी है आपकी, तो वो भी देख सकते हैं, उसके क्वेश्चंस भी बेहतरीन हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ हो जाएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं आपका। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मेंटल कोच इज ऑल्सो नोन एज, मेंटल कोच किसे बोला जाता है? फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए भाई, आज संडे है तो सारे फंडे मनाने लग गए क्या? राम राम जी भाई, सारे ना राम राम। यस, जिसने भी राइट आंसर दिया है आपका ऑप्शन नंबर C, एजुकेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके अलावा देखिए मुख्य बात क्या है, उनके बारे में जान लेते हैं कि मुख्य बात क्या है, कि आपसे अगर कभी भी पूछ लिया जाए इनके फादर्स के बारे में, तो फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे बोला जाता है? फादर ऑफ साइकोलॉजी ये बोला जाता है विलियम वुंड। विलियम वुंड को बोला जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी। अगर पूछ लिया जाए मॉडर्न पूछ लिया जाए, मॉडर्न, तो हो जाएंगे सिगमंड फ्रूड। उसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिगमंड फ्रूड का संबंध किससे है, तो सिगमंड फ्रूड का संबंध ही आपका क्या है भैया,
साइको एनालिटिक थ्योरी से है। साइको एनालिटिक थ्योरी का संबंध किससे है? तो सिगमंड फ्रूड से, यह याद रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया स्पोर्ट साइकोलॉजी का फादर कौन है, स्पोर्ट साइकोलॉजी का फादर कौन है, तो स्पोर्ट साइकोलॉजी का फादर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो स्पोर्ट साइकोलॉजी के फादर कौन है भैया? स्पोर्ट साइकोलॉजी के फादर हो जाएंगे सीजी, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी याद रखना है स्पोर्ट्स में, यानी कि कॉलमैन ग्रिफ्टन। कॉलमैन ग्रिफ्टन, तो ये कुछ मुख्य बातें। उसके अलावा अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि ड्राइव थ्योरी किसने दी थी, ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी थी, तो ड्राइव करते हैं, देखिए ड्राइव यानी कि चलाना, तो हल को हम क्या करते हैं, चलाते हैं, तो हम यूं कह सकते हैं कि ड्राइव थ्योरी किसने दी थी, क्लर्क हल ने दी थी। ठीक है, क्लर्क हल, तो ये बात आपको याद रखनी है। कुछ मुख्य बातें ऐसे ही पूछ ली जाती हैं। उसके अलावा एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर पूछ लिए जाए, एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर, तो वो हो जाएंगे आपके कौन भैया? सेशन को शेयर करो यार, बच्चे संख्या कैसे कम है आज। चलिए बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये कुछ आपके, देखिए कितने क्वेश्चन हो गए एक ही स्लाइड में, ऐसे क्वेश्चंस, तभी तो मजा आता है हमें पढ़ने में, तभी मजा आता है और पढ़ाने में भी तभी मजा आता है। एचआईवी के एब्रीवेशन पूछ रहा है आपसे, एचआईवी के एब्रीवेशन पूछ रहा है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग दिल लाइक ये सब कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। केवीएस के इंटरव्यू की तैयारी करवा दीजिए, अड्डा में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, आपको बस गूगल फॉर्म भरना है और अड्डा में अपना एनरोल कर लो, मॉक इंटरव्यू वगैरह सब यहीं हो जाएगा। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, खाली इतने से काम नहीं चलेगा, लेकिन एचआईवी की फुल फॉर्म तो ये है, एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, होता किससे अभी है ये? आपका रेट्रो वायरस, ठीक है। उसी के साथ साथ में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितना इसका लगभग लगभग, तो यूं कह सकते हैं हम कुछ मंथ से लेके आपका 10 ईयर तक इसका क्या रहता है, आपका इनक्यूबेशन पीरियड। आप कहेंगे इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो इनक्यूबेशन पीरियड वो होता है कि जब आपको कोई रोग हो गया, कोई किसी भी तरीके से रोग हो गया, ठीक है, जब आपको कोई रोग हो गया, किसी भी तरीके से रोग हो गया, तो उस रोग से उस लक्षण के आने की जो अवधि होती है उसको क्या बोलते हैं? इनक्यूबेशन पीरियड होते हैं। इनक्यूबेशन पीरियड सबसे ज्यादा किसका होता है? एचआईवी एड्स का देखने को मिलता है आपको। तो ये आपका रेट्रोवायरस भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। उसके अलावा वायरस से होने वाली कौन कौन सी डिजीज है वो भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि रेबीज हो गया। रेबीज को क्या बोलते हैं भैया? चिड़ियाघर में जानवर रहते हैं यानी कि जू, तो जूनोटिक डिजीज किसे बोलते हैं? रेबीज को। मैमल से होने वाली डिजीज किसको बोलेंगे? मैमल से होने वाली डिजीज वो भी रेबीज को बोलते हैं। उसके अलावा बंदर, डॉग यानी कि कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता, उससे, सभी से ही है आपका, समझ रहे ना, बात समझ गए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दोनों की फुल फॉर्म यहाँ पर लिख रखी है, ये भी आप लिख सकते हैं, वैसे भी मैंने आपको बताई दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्पीड प्ले। ये क्वेश्चन आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, इस स्लाइड से क्वेश्चन आएगा ही आएगा पक्का, ये 110% है। जैसे कि इंटरवेल से क्या याद रखते हैं? इंटरनेट, और इंटरनेट से आपको फनी वीडियो से याद रखनी है, फनी वीडियो से क्या आता है? हंसी आती है, हंसने से क्या याद आएगा? हैंस रेंडियल। तो इंटरवेल ट्रेनिंग का याद किसने किया था? हैंस रेंडियल। हैंस रेंडियल के साथ इनके साथ कौन थे भैया? विल्डमर गेस्टलर, ठीक है, विल्डमर गेस्टलर। उसी के साथ साथ में अगर हम बात करें तो आपको यह पता होना चाहिए कि इंटरवल ट्रेनिंग जो है
उसके लिए बेस्ट सेशन कौन सा रहता है? तो मिड सेशन, मिड सेशन, वहीं पे आपसे फार्टिलिक ट्रेनिंग के लिए पूछ ली जाए तो फार्टिलिक ट्रेनिंग के लिए कौन सा भैया बेस्ट सेशन होता है? ऑफ सीजन। तो स्पीड प्ले को, स्पीड प्ले का मतलब ही होता है, स्पीड का मतलब होता है फार्ट और प्ले का मतलब होता है लेग, ठीक है। तो फार्टिलिक ट्रेनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पीड प्ले। लेकिन मुख्य बातें वो याद रखने वाली वो ये है कि इसमें सभी व्यक्ति जो रहता है, स्पोर्ट्स पर्सन रहता है, उसको क्या रहना चाहिए भैया? सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि आपका बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल रहेगा इसमें। सारी की सारी चीजें जो होती है वो सेल्फ कंट्रोल रहती है, क्योंकि खुद ही को सब कुछ करना होता है, तो कोई भी ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता है बाहर से, आप खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। तो ये चीज है, तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज स्पीड प्ले के साथ साथ ये होता किस लिए है? एंड्योरेंस के लिए। इसका इजाद किसने किया था? गोस्टा होल्मर। कहां के थे भैया? स्वीडिश, यानी कि स्वीडन के थे, इसलिए स्वीडिश मेथड भी इसको बोला जाता है। ये चीजें कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, ये इस तरीके से आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जिसने दिया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उसके अलावा आपके कौन कौन से जो मेथड्स हैं वो किस किसने दिए हैं वो भी कुछ यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि इनके ट्रिक्स भी मैं बता दूंगा आपको, तो आप आराम से याद रख सकते हैं उनको। देखिए, सर्किट ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो आर ई मॉर्गन, पूरा नाम है इनका आर ई मॉर्गन और जी टी एंडमसन। जब शॉर्ट सर्किट होता है, इंसान मर जाता है, तो मर जाता से याद रखेंगे मॉर्गन, ठीक है। उसके अलावा अगर हम कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यू चलते 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 आप कहाँ पहुंच सकते हैं? एवरेस्ट की फतेह भी कर सकते हैं, एवरेस्ट पे भी पहुंच सकते हैं। तो एवरेस्ट और एर्नेस्ट एक जैसी चीज लग रही है, तो इससे याद रख सकते हैं आप कि डॉक्टर आंस वेन एकेन ने क्या इजाद किया था? आपका कंटिन्यूस ट्रेनिंग, फार्टिलिक ट्रेनिंग। जब हम कोई भूत देख लेते हैं, भूत को क्या बोलते हैं? गोस्ट बोलते हैं। तो गोस्ट को देखते ही हमारी आंखें फटी फटी रह जाती हैं, बिल्कुल डर के घबरा के एकदम। तो गोस्टा होल्मर मतलब कि आपका फार्टिलिक ट्रेनिंग। इंटरनेट से क्या याद रखना? फनी वीडियोस। तो इनके साथ में कौन थे भैया? हैंस रेंडियल, हैंस रेंडियल और वेल्डमर गैस्टर। तो वेल्डमर गैस्टर और हैंस रेंडियल दोनों याद रखने हैं। अगर ऐसे ट्रिक्स आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करके भैया मनोबल बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज तो क्या ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। चलिए, क्योंकि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। अगला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, साइकोलॉजी किसका अध्ययन है? ये क्वेश्चन बहुत आपको मिलेगा और कंफ्यूज करेगा देखने को। उसके अलावा साइकोलॉजी किन दो शब्द से मिलके बना है? तो साइकोलॉजी किन दो शब्द से मिलके बना है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो साइकोलॉजी मिलके बना है भैया साइके प्लस लोगस, साइके प्लस लोगस से, ठीक है। तो साइके प्लस लोगस से मिलके बना है आपका साइकोलॉजी। केवीएस का भी क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन आपके आते ही रहते हैं इसी तरीके से। जिसने भी राइट आंसर दिया भैया, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस आंसर की के हिसाब से ठीक है, लेकिन असलियत में आपका आंसर जो होना चाहिए वो है बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर। देखिए, अगर हम बात करें आपके 19, 20, 17 और 16, ये आपकी अलग अलग शताब्दी है। क्या है भैया? शताब्दी है। इन शताब्दियों में अलग अलग बार नाम बदले। 16वीं शताब्दी में जो आपकी साइकोलॉजी थी उसको क्या बोला जाता था? मन कह रहा हूं, सोल, यानी कि आत्मा का अध्ययन, ठीक है। 17वीं शताब्दी में इसको बोला जाने लगा मन, या यू कह लीजिए माइंड का अध्ययन। 19वीं शताब्दी में इसे बोला जाने लगा चेतना का अध्ययन, चेतना यानी कि कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस का अध्ययन, ठीक है। उसके अलावा 20वीं शताब्दी में जो अभी है वो बोला जाने लगा व्यवहार का अध्ययन, यानी कि बिहेवियरिज्म। क्या है? बिहेवियर का अध्ययन, यानी कि व्यवहार का अध्ययन। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है।
सोल लिया, जूते वाला सोल लिख दिया था। कोई ना, तुम्हें पता है ना आत्मा निकल के आ जाएगी तो जूते वाला सोल भी कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो दोनों ही आंसर ठीक है, अदरवाइज आप इसको ले सकते हैं, ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली ये आपका ठीक रहेगा। ठीक है, बिहेवियर मैंने आपको सारी चीजें बता दी। उसके अलावा 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी और उसके बाद में आपका 19वीं और 20वीं शताब्दी में यही बताया मैंने तुम्हें। ठीक है चलो, अगला क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट कॉज्ड बाय द वेगस नर्व। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में आपके। भाई आज संडे है तो आज तो ज्यादा होने चाहिए थे बालक, आज कैसे कम आ गए बालक? बालकों को पता नहीं था क्या क्लास होनी है? 16 बाय सोक्रेट्स, प्लाटो, एरिस्टोटल। वेरी गुड यार रोबिन, तुमने तो आज एनवायरनमेंट की क्लास में भी तहलका मचा दिया था। बढ़िया, गजब। यहाँ लिखो फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। क्या होता है कि मतलब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि तुम्हारा ऐसा लगता है टीचर को कि इंटेंशनली जानबूझ के क्लास खराब करने के लिए तुम फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद लिख रहे हो लेकिन चप्पा चप्पा गूंज उठेगा फिजिकल एजुकेशन के नारों से तो जिसने भी राइट आंसर दिया, भाई ऑप्शन सी दे रहे हो आप जितने भी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल इज रिड्यूस। तो अब सिस्टोल क्या होता है सर ये बता दो, डायस्टोल क्या होता है ये बता दो। देखिए स से सिस्टोल और सी से ही कॉन्ट्रेक्शन, सी से सिस्टोल, सी से कॉन्ट्रेक्शन। तो जब हम किसी भी बोतल को पिचका देते हैं, मान लो ये बोतल ले लेता हूँ, पचकने की आवाज तुम्हें आई जाएगी, इसमें पानी भर देता हूँ मान लो, अभी ये क्या है अपना हार्ट है, ये वेंट्रिकल है, हार्ट है। अब जब ये पिचका यानी कि क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, लेकिन हमारे हार्ट में तो पानी नहीं है। हाँ भाई, किसी किसी के में होता है कि वो खून नहीं वो पानी है, ठीक है। तो किसी किसी के में होता है जिसके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है, उसके अंदर खून क्या है, पानी ही है उसका। तो जब हमने इस बोतल को पिचकाया तो क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कॉन्ट्रैक्ट को ही सिस्टॉल बोलते हैं। तो सिस्टॉल और डायस्टॉल दो कॉन्सेप्ट, जब आपकी रिलैक्स होती है मसल, यानी कि जब आपका जो वेंट्रिकल्स है वो रिलैक्स होंगे मान लो, ठीक है, तो हम यू कह सकते हैं उसको डायस्टॉल। तो ये भी आ जाता है कि आपका 180 कह रहा हूँ यार, तुम भी घबरा रहे हो, 180 तो भयंकर हो जाएगा मामला, ठीक है, 120/80। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर की अगर हम बात करें कितना रहता है, तो सिस्टोलिक हो सकता है 120, डायस्टोलिक 80। इससे ऊपर नीचे कहीं होगा चले जाता है तो वो फिर मामला गड़बड़ है, यूं लगा लो फिर आपका हार्ट रेट। उसके अलावा अलग अलग आपकी क्या देखने को मिलेगी, नर्व्स देखने को मिलेगी, पिछली क्लासेस में भी हमने आपको बताया था। तो 10th क्रेनियल नर्व की अगर हम बात करें, ये मेनली आपका वेगस नर्व बोलते हैं इसको, वेगस नर्व, मेन नर्व फॉर योर पैरासिम्पैथेटिक एंड नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है इसको जाके मेरे नर्वस सिस्टम वाले लेक्चर में देख लेना, जो भी है बाकी की चीजें जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। हम आगे चलते हैं, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए आज। नेम द गेम हूज फील्ड इज मार्क्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। बहुत शानदार क्वेश्चन है भैया, ईस्ट से वेस्ट। बाकी मैंने नोट्स बनाए थे उसमें थे, वेरी गुड रोबिन। देखो ये रोबिन ने ये युक्तियां लगाते रहते हैं, बहुत शानदार बालक। क्या बात होगी, 70 है। हाँ भाई, जब से 370 हटा जब तक 70 ही है बालक, बढ़ा दो थोड़ा बहुत। चलो जिसने राइट आंसर दिया भैया ऑप्शन नंबर एक, खो खो। हाँ भाई, अरे क्योंकि बैठना होता है ना, एक को एडवांटेज एक को डिसएडवांटेज ना मिले इसीलिए। तो कितने प्लेयर रहते हैं खो खो में, 9, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर प्लेइंग की बात कर रहे हैं, कबड्डी में 7 प्लेयर और हैंडबॉल में भी 7 प्लेयर। उसके अलावा आपको और चीज बता दूं तो खो खो से पहले कुछ और चीज जान लेते हैं, और भी प्लेयर, अगर क्रिकेट आ जाएगा अभी भी, फुटबॉल आ जाएगा अभी भी,
और हॉकी आ जाए कभी भी, तो कितने प्लेयरों की संख्या आएगी ये बताओ मुझे। उसके अलावा क्रिकेट की बॉल और हॉकी की बॉल किसका वजन बताओ मुझे। दोनों ही क्वेश्चन बहुत फेमस, दोनों ही क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो 11 प्लेइंग और 16 टोटल, टोटल 16 जिसमें से 11 प्लेयर प्लेइंग में रहते हैं आपके, क्या ये बात सही है। इसकी बात करें तो कितना, 156 से 163 ग्राम। ठीक है, करेक्ट। चलो 11 11 11 भूल लेना दोबारा। वेरी गुड, 156 से 163। तुम तो उल्टा कॉन्सेप्ट लगाते हो यार, तुम्हारे भरोसे चले तो तुम तो ये पलटा दो सरकार को ही ना। तो खो खो, खो खो के बारे में क्या क्या चीजें, अगर यही ना पढ़े तो फिर फायदा क्या खो खो पढ़ने का। तो खो खो की फेडरेशन 1955 में आपका इंडिया, और एशियन की बात करें तो 1987। प्लेयर्स की संख्या 9 है, लेंथ की बात करें तो 27 और विड्थ की बात करें तो 16। पोल टू पोल अगर देखा जाए, लेंथ तो आपकी कितनी रहेगी, 24 मीटर। पोल की हाइट पूछ ली जाती है 120 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको मीटर में बताना है कितनी रहती है। फ्री जोन की बात करें तो 1.50, और 1936 के जो बर्लिन ओलंपिक्स हो रहे थे उसमें भारत ने एज ए डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट दिया था, और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं कह सकता हूँ कि टीम कहाँ से गई थी, तो वो गई थी आपके हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल से। खाली खो खो की नहीं, जितने इंडिजीनियस स्पोर्ट्स थे उनकी टीम गई थी भैया HVPM से। HVPM की स्थापना कब हुई थी, 1914 में, करी किसने थी, वैद्य ब्रदर्स ने। ये भारत का पहला माना जाता है इंस्टीट्यूट है। इसके बाद जो दूसरा इंस्टीट्यूट है वो है YMCA, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ऐसा इंस्टीट्यूट जिसने यूं लगा लीजिए तहलका मचा के रख दिया, जिसके नाम पे आज भी जाना जाता है। 1920 में मद्रास में बना, आज के टाइम में चेन्नई बोला जाता है। और खोला किसने, HC बक, यानी कि हैरी क्रो बक ने खोला। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया बोला जाता है, भारत में। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर पूरी चीजें जानी जाती है। और इसी से अभी ये लगा लो कि अब आज के टाइम में देख लो कितना क्या तगड़ा चल रहा है फिजिकल एजुकेशन, है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन। दीज आर द स्टेप्स दैट लीड्स टू द अटेनमेंट ऑफ ए गोल। किसी भी गोल की प्राप्ति के लिए आप क्या है मेन चीज इनमें से। चलिए HVPM ने दिया था, फ्री जोन 175 होता है, पक्की बात है। सेंटर लाइन मेजरमेंट क्या है, किस चीज का सेंटर लाइन, यार तुम तो ऐसे क्वेश्चन कर देते हो कि वो एक क्वेश्चन बता दो उसका क्या है, सीधा सीधा। अब उसका कोई सिर पैर कुछ तो होगा, कुछ बताया करो। तो ऑब्जेक्टिव से ही हम क्या करते हैं भैया, आपका मेनली गोल को अटेन करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, याद रखने के भी तरीके हैं अलग अलग। किसी को गाड़ी लेनी है, आपको क्या लेनी है, आपको घर लेना है, तो उसके लिए क्या है, पैसा, पैसे से क्या करें, बिजनेस, अलग अलग आपके बिजनेस हो गए ऑब्जेक्टिव्स। और क्या करना है आपको, घर लेना है, पैसा लेना, गाड़ी लेनी, अल्टीमेटली। ठीक है, ये चीजें हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, दैट इज द कैरियर वो शेड द इन्फेक्शियस एजेंट्स फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। चलिए चलिए, टेम्परेरी कैरियर, क्रॉनिक कैरियर, इनक्यूबेटर, या फिर आपका कॉन्वलेसेंट कैरियर। जिसने राइट आंसर दिया है टेम्परेरी कैरियर, सही जवाब। ठीक है, उसके अलावा इनक्यूबेशन पीरियड की हमने बात करी थी, थोड़ा उससे रिलेट कर देना इसको। ये मेनली आपका जब आपकी क्या कहते हैं, कोई भी बीमारी है वो आई है और उससे लक्षण कितने दिखे तब वो। उसके अलावा एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज क्या होती है, इसको याद रखने के लिए आपको मतलब पता होना चाहिए। एक्यूट क्या है, एक्यूट मतलब कि कोई भी चीज तुरंत, ठीक है, और क्रोनिक मतलब कि वो थोड़ा सा देर तक, या यूं कह लीजिए पुरानी चीज कोई भी हो गई पुरानी। तो इनको हम चोटों में भी पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि एक्यूट इंजरी और आपका क्रोनिक इंजरी बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वॉइस कम आ रही है, सही बताओ।
बढ़ा दे वॉइस, ठीक है बढ़ जाएगी थोड़ी देर में। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन आए ना किसी एग्जाम में ऐसा होता ही नहीं है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए बताइए, ध्यानचंद अवार्ड कब किया गया? ध्यान दो मतलब बात पे ध्यान दो, ठीक है। तो इसमें आपके पांचों अवार्ड, आपको मेनली पांच छह अवार्ड जो है बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखने। सबसे पहला अवार्ड कब आया? तो 1956 में आया, 1956 में आया। कौन सा? माका ट्रॉफी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। उसके बाद जो आया वो 1961 में आया, यानी कि आपका अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड। उसके बाद कौन सा आया? 1985 में आया, 1985 में आया, वो आया द्रोणाचार्य अवार्ड। उसके बाद कौन सा आया भैया? 1991-92 में आया, यानी कि कौन सा आया आपका? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। उसके बाद कौन सा आया? तो उसके बाद आया आपका 2002, ठीक है, जिसको मेनली हम पढ़ते हैं। इसके अलावा 1994 भी अभी आया था, तो 1994 वाला अगर लिखें तो वो भी लिख लेना, एडवेंचरस अवार्ड 1994। 2002 में आपका कौन सा आया? ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, ध्यानचंद अवार्ड। उसके बाद में 2009 में आया, वो आया आपका राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। बात समझ में आ रही है सभी को? क्या क्या खेल, क्या क्या ये, इनके कितने कितने प्राइज दिए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जिसको नहीं पता प्राइज कितने हैं, आपको बस टाइप करना है अवार्ड्स, स्पोर्ट्स अवार्ड्स बाय मोनू मधुकर, ठीक है। आप डायरेक्ट मोनू मधुकर डाला करो, आपको यूट्यूब पे इतनी वीडियोस मिल जाएंगी फिजिकल एजुकेशन की, आप देख देख के एकदम छिक जाओगे, लेकिन वीडियोस नहीं खत्म होगी। तुम्हारे भाई ने इतनी मेहनत कर रखी, यूट्यूब पे टेंशन ना लो, ठीक है। 2002 में किस किस को मिला था भैया आपका? तो बॉक्सिंग में किसको मिला था? स्वराज, बिरेंजदार, और उसके साथ साथ में अशोक दीवान को हॉकी में, फिर आपके अपर्णा गोस्वामी बास्केटबॉल में। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। अभी 2022 में एथलेटिक्स में किसको मिला भैया? अश्वनी, ये याद रखना। धर्मवीर सिंह को आपका हॉकी में, बीसी सुरेश को आपका कबड्डी के लिए, और नीर बहादुर गुरुंग ये आपके पैरा एथलीट एथलेटिक्स के लिए मिला है। तो ये आपके इस बार के हैं, ये याद रखना कि आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है भैया। बस मेजर ध्यानचंद की बात नहीं है, देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए ध्यानचंद अवार्ड, तो ये बात कर रहे हैं हमारे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की। तो पूछा जाता है कि लाइफ टाइम अवार्ड कौन सा है, तो लाइफ टाइम अवार्ड ये है। पूछा जाता है कि खेलों में सबसे प्लेयर के लिए सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तो राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका नाम अब बदल के क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ठीक है। 25 लाख रुपए प्राइस भी है उसमें। अब पूछा जाए कोचिज के लिए कौन सा, तो भैया द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचिज के लिए है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इनको कैसे पता लगाएंगे? लो भाई तुम्हारे लिए प्राइस भी ऐड करवा दिए हैं, राजीव गांधी खेल रत्न 25 लाख, सबसे ज्यादा इसी में मिलते हैं, सबसे बड़ा अवार्ड कोई है। तो आज के टाइम में क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। अर्जुन अवार्ड 1961 में 15 लाख रुपए प्राइस है इसमें भी। द्रोणाचार्य अवार्ड 15 लाख रुपए आपके लाइफ टाइम में, लाइफ टाइम और रेगुलर में, रेगुलर में आपको 10 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। उसके बाद में 10 लाख रुपए आपका ध्यानचंद, ये इसी को लाइफ टाइम अवार्ड बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, याद रखना कि लाइफ टाइम अवार्ड कौन सा है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉलेजेस को कौन सा मिलता है भैया? तो कॉलेजेस को आपका माका ट्रॉफी मिलती है, और प्रोत्साहन के लिए आपका कौन सा मिलता है भैया? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, 15 लाख रुपए आपका कॉलेजेस वाले में भी, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और केवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। एम्योबाइसिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इंफेक्शियस एजेंट्स इज कॉल्ड। अशोक दीवान, सन ऑफ ध्यानचंद। वाह भाई वाह, एक से एक बेहतरीन नॉलेजेबल
बैठे हुए हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत शानदार बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं बस। कोई क्लास में कमी ना हो उसके लिए तुम्हारे भाई ने भी चला रखे फोन में। हाँ भाई, कि पूरी जा भी रही है कि नहीं जा रही है। चलिए, तो जिसने भी राइट आंसर दिया है भैया, प्रोटोजोआ, बहुत ही गजब के खिलाड़ी हो यार तुम। ये क्वेश्चन आया था केवीएस 2018 में। तो एमीबाइसिस होता क्या है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, इसी को आपका अम्योबैटिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। डिसेंट्री का मतलब ही समझ गए होगे आप किससे संबंधित है। सर वॉइस कम आ रही है, एक व्लॉग वाइब्स को ही कम आ रही है या फिर और बाकियों को भी कम आ रही है भाई? वॉइस तो फुल है, थोड़ी सी एडजस्ट कर लो, कान में थोड़ा सा ईयरफोन लगा लो प्लीज, तो आ जाएगी वॉइस। ठीक है, तो प्रोटोजोआ के कारण ही आपकी फैलती है, प्रोटोजोआ के कारण। उसके अलावा आपकी जो डिजीज होती है मुख्य तौर पर पूछ ली जाती है कि कौन कौन सी डिजीज किसके कारण होती है। तो जैसे कि आपके मलेरिया की बात करें, मलेरिया कौन फैलाता है भैया, तो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो। ठीक है, और आपके डेंगू कौन फैलाता है, उसके अलावा डेंगू के साथ साथ में, डेंगू के साथ साथ येलो फीवर और चिकनगुनिया, चिकनगुनिया ये तीनों क्रिएट करेगा भैया आपका एडीज मॉस्क्यूटो, एडीज इजिप्टी मॉस्क्यूटो। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके अलावा गंदे पानी से क्या होता है भैया, कोलेरा होता है, टाइफाइड होता है। ठीक है, दोनों बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। उसके अलावा रेबीज जो है कुत्ते के काटने से होती है, और वायरस डिजीज है, वायरस डिजीज है, वायरस से होने वाली डिजीज है। आपसे पूछ ले अगर, मान लो फंगस से होने वाली कौन सी डिजीज है, तो जैसे कि रिंग वॉर्म हो गया, रिंग वॉर्म हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें आपका एथलीट्स फुट, एथलीट्स फुट जिसको क्या बोलते हैं, टीनिया पैडिस बोलते हैं भैया, टीनिया पैडिस, एथलीट्स फुट टीनिया पैडिस किससे होता है भैया, ये फंगस से होने वाली डिजीज है। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार और तुम फिर गलत करके आ जाते हो, फिर बोलते हो। ठीक है, तो एमीबाइसिस मेनली किसमें इफेक्ट करेगा भैया, आपके गैस्ट्रिक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है एक तरीके से। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन आ रहा है आपका, मेकअप ऑफ बॉडी इन टर्म ऑफ लीन मास एंड फैट इज, बताओ। द्रोणाचार्य अवार्ड भी लाइफ टाइम और रेगुलर मिलता है क्या सर? शिवानी बताया तो पीछे लाइफ टाइम और रेगुलर दोनों, मैंने कहा कि बाकी किसी को कोई तकलीफ हो तो जो भी टॉपिक से रिलेटेड है उस टॉपिक का नाम लिखो। जैसे कि मान लो आपको डिजीज पढ़नी है तो लिखो कम्युनिकेबल डिजीज बाय मोनू मधुकर, यूट्यूब पे डाल दो। ठीक है, आपको मिल जाएगी कोई भी अवार्ड्स बाय मोनू मधुकर, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, एंशियंट ओलंपिक्स कितनी कितनी बार करवा रखे हैं। चलो, तो जिसने ऑप्शन नंबर ए दिया बॉडी कंपोजिशन, हाँ भाई, तो बिल्कुल करेक्ट है। बॉडी कंपोजिशन का मतलब ही आपका लीन मास एंड फैट मास के बीच में अंतर बताना है। उसके अलावा खाली लीन मास देखेगा, खाली लीन मास क्या होता है, लीन मास इसमें आपका फैट नहीं आता। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। बीएमआई, बॉडी कंपोजिशन को कैसे मेजर करते हैं, बीएमआई। ठीक है, तो मेरे को याद दिलाना लास्ट में कैसे क्या जाए एक बार, मैं अभी नॉलेज की बात है, आप भी कर सकते हो ये चीज। जैसे मैं एक डॉक्टर के पास गया था तो उन्होंने पहले मेरी हाइट नापी, तो हाइट किससे नापते हैं आपको तो याद आना चाहिए, स्टेडियोमीटर से हाइट नापते हैं, स्टेडियोमीटर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। फिर उन्होंने मेरा वेट नापा, तो वेट वेट मशीन से नापते हो तो सिंपल सी चीज है। उसके बाद में उन्होंने मेरा बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, एक वो बीएमआई मशीन थी उस पर खड़ा कर दिया।
और उन्होंने मेरा नंबर डाला उसमें। बेसिकली क्या डाला उन्होंने, उन्होंने मेरी हाइट नापी थी वो डाली और मेरा वजन उस पर आ गया। यानी कि आपको बीएमआई का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन केजीज, वेट किलोग्राम में डाला था उन्होंने और डिवाइड कर दिया उसको किससे, हाइट इन मीटर स्क्वायर। जितनी हाइट है उसको मीटर में कन्वर्ट करके उसको स्क्वायर कर दिया, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो ऐसे मैंने देखा कि ऐसे निकाल दिया इन्होंने। उसके बाद में मैंने डॉक्टर ने बोला कि मेरे को आपका ना फैट ज़्यादा है, और आप, मैंने कहा मैम आपको कैसे पता मेरा ये फैट ज़्यादा है, तो मैम ने बोला कि देखो आपका बीएमआई हमने टेस्ट किया था, आपको नहीं पता ये मशीन ये वो इम्पोर्टेड है। मैंने कहा इस मशीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मैम, ये मेरी हाइट आप नाप लेते, एक वेट मशीन ले आते तो बीएमआई निकल जाता, लेकिन फिर भी मैं एक एथलीट हूँ, ये मेरे ऊपर लागू नहीं होता है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन आप ठीक कर रहे हैं, आप जनरल पब्लिक का लेते हैं, लेकिन ये खिलाड़ियों पे लागू नहीं होता, जो वर्कआउट करता है जिम करता है उनके ऊपर लागू नहीं होता है। फिर मैडम नहीं नहीं फिर भी आपको ना थोड़ा सा फैट कम करना पड़ेगा, आपका बीएमआई ज़्यादा दिखा रहा है। मैंने कहा फिर ठीक है, देश देश का नाश हो रहा है। तब बीएमआई का इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनको एक्चुअली में पहले साइंटिस्ट अब क्वेटलेट थे साइंटिस्ट, तो उनकी उन्होंने खोजा था, इसलिए इसको क्वेटलेट इंडेक्स भी बोल देते हैं। क्वेश्चन आ रखा है एचटेट में, ठीक है। बीएमआई यूज्ड फॉर मेजर बॉडी कंपोजिशन, ये बात याद रखनी चाहिए। इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, वेट किलोग्राम में और हाइट मीटर स्क्वायर में। उसके अलावा अगर बीएमआई से आपसे इसे लिस्ट पूछ ली जाए तो नॉर्मल आपको पता होने चाहिए, नॉर्मल कितना है, तो 18.5 से लेकर 24 यानी कि 25 तक लगा लो, ये आपका क्या है, नॉर्मल माना जाता है। इस नॉर्मल को जरूर याद रख लेना, अंडरवेट वगैरह ओवरवेट तो ठीक है। अब नॉर्मल से आपको ये भी पता लग जाएगा कि 18 से नीचे जो है वो अंडरवेट होगा और 25 से ऊपर है तो ओवरवेट होगा। तो तीन क्वेश्चन यहाँ से बन गए आपके पास में कि नॉर्मल पूछ ले तो 18 से लेके 25 तक नॉर्मल है, आपसे पूछ ले कि अंडरवेट क्या है तो 18.5 से लेके नीचे वाला जो अंडरवेट में आ जाएगा, आपसे पूछ ले कि ओवरवेट क्या है तो 25 से ऊपर वाला ओवरवेट में चले जाएगा। तीन क्वेश्चन बन गए, एक ही चीज याद रखवाई मैंने तो ये होती है कम चीजें याद करके ज्यादा एक्सपोज कर देना, ठीक है। मिनिमम एफिशिएंसी विद मैक्सिमम एफर्ट्स, नहीं मैक्सिमम एफिशिएंसी विद मिनिमम एफर्ट्स, अगला दिख गया आपको क्वेश्चन, होपफुली आपने नहीं देखा होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, एज लिमिट ऑफ यूथ ओलंपिक, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलता है कई बार। मैडम बावली हो गई। चलिए शानदार भाई, करो जवाब तो तुम। सुपर संडे मैराथन लेके आए, अगले संडे तक तो हो जाएगा पेपर तुम्हारा। चलिए जिसने राइट आंसर दिया भैया ऑप्शन नंबर बी, भाई बहुत शानदार भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका कई बार आपका डीयू के एंट्रेंस वगैरह में इनमें भी आ जाते हैं कई बार, तो ये पता होना चाहिए। पहला समर ओलंपिक्स कब हुआ था यूथ वाला पूछ ले तो 2010 में हुआ था सिंगापुर में, याद रखना। अभी डकार में 2026 में होने वाला चौथे नंबर का। अगर विंटर के पूछ ले यूथ ओलंपिक्स कब हुआ था, तो पहला हुआ था आपका 2012 में इंसबर्ग में। उसके अलावा चौथा जो आपका होने वाला 2024 में आपका गैंगवोन में होने वाला। तो ये क्वेश्चन आपके बेहतरीन बनते हैं जो आपके अलग पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो आपके एंशियंट ओलंपिक है, तो एंशियंट ओलंपिक आपको पता होने चाहिए, प्राचीन ओलंपिक 776 BC में स्टार्ट हुए, ठीक है, और खत्म कब हुए, 393 AD आ जाए या 394 AD आ जाए, किसने कर दिए खत्म, थियोडिसिस ने, थियोडिसिस, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। उसके अलावा जो मॉडर्न ओलंपिक है पहले, तो उसकी कमिटी बनी थी 1894 में, दो साल बाद आपके ओलंपिक्स हुए, यानी कि 1896 में पहले ओलंपिक कहाँ हुए भैया, एथेंस में हुए। पितामा किसे बोला जाता है मॉडर्न ओलंपिक का, तो बैरन पियरे डी कोबर्टिन को बोला जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड इज एबिलिटी इज नोन एज, बहुत ही शानदार और क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मोनू सर योगा में हेल्प कर दो, जी के जी कोच जी, योगा में कैसे हेल्प कर दे ये बताओ, क्या हेल्प करी जाए योगा।
योगा पढ़ा रखा है मैंने, मैराथन मेरी 4 देख लो, जबरदस्त। जिसका पेपर 2 में अभी हाथ कमजोर है, पेपर 1 अच्छा है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, मेरी 4 मैराथन देख लो लगातार, मजा भी आएगा, पूरी देख भी लोगे, गाड़ी में जाओगे लास्ट में जाते जाते देख लेना, पंचकुला पहुंचते पहुंचते एक मैराथन देख लेना जाते जाते, उसमें से फंसेगा ही फंसेगा पक्का। तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ खाली यही जानने से काम नहीं चलेगा, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, तो प्लायोमेट्रिक्स करते हैं भैया, ठीक है। प्लायोमेट्रिक्स का इजाद किसने किया था, यूरी ने किया था, ये याद। उसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन और आ जाता है, ये टेबल है मान लो, इस टेबल पे हमने जंप किया और इस टेबल से वापस से नीचे जंप किया, तो दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज नोन एज, दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज नोन एज, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, डेप्थ जंप मान लो, या यूं कह लीजिए आपका एक हर्डल है इसके ऊपर से ऐसे जंप किया, तो ये आपका मेनली क्या है, सारी की सारी प्लायोमेट्रिक्स एक्सरसाइज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लायोमेट्रिक्स, ठीक है। उसके अलावा कंटिन्यूस ट्रेनिंग हम किसके लिए करते हैं, एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ला भाई, तो स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ स्पीड और आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस क्या क्या होते हैं, इसको मेरे एक स्ट्रेंथ के लेक्चर में देख लेना, आप टाइप करना बस स्ट्रेंथ बाय मोनू मधुकर, आपको मिल जाएगी, बहुत शानदार वीडियो जिसने नहीं देखी हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफेक्टिव लीडरशिप इज बेस्ड ऑन, नेतृत्व किस पर आधारित है, एक प्रभावी अगर आपको नेतृत्व करना है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, जिसने भी वीडियो देख लिए, मैराथन देख ली है, प्रीवियस वीडियोस देख ली हैं, बहुत शानदार भाई। पेपर 1 अच्छा नहीं, आप लोगों के कह रहे हैं पेपर 1 तो भैया जैसा आप लोगों का है वैसा ही, बाकियों का भी एक आदि कोई रहता है, तुर्रम खान जो पढ़ता है फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं, बाकी सब इसी पे दम ले लेके जाते हैं। तो जिसने राइट आंसर दिया है डी, बिल्कुल सही, अभी सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लीडर इन ए ग्रुप, ठीक है, ये चीज बिल्कुल आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, नेता और समूह की आपकी स्थिति जय विशेषताएं। ले भाई, हिंदी में थोड़ा सा ऐसे कठोरता ही हो जाती है चीजें, जबकि हिंदी मीडियम के हम उसके अलावा बहुत शानदार क्वेश्चन आ रखा है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपका, व्हाइल गिविंग मसाज, जब मसाज देते हैं तो हमारा जो इम्पोर्टेंट ध्यान रहना चाहिए वो किस चीज पे रहना चाहिए, आधे कह रहे सर फोटो पे मेरिट भी पता चल गई, बेफिक्र रहो यार, देख मेरिट के चक्कर में मत पड़ो, अभी तो तुम पढ़ने पे ध्यान दो और एग्जाम तो दो, तुम घबरा हो जाते हो यार टेंशन मत लो यार, तुम किसी भी तरीके से कहीं डी दे रहे हैं कहीं ए दे रहे हैं, अब तुम गलती यही कर रहे हो, ये अभी तुम्हारा क्या कर रहा हूं मैं, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन अभी सबमेटिव होगा कब, 29 तारीख को, तो यहाँ गलती कर लो कोई बात नहीं, लेकिन चीजों को सुधार लो। अरे ये बात तो ठीक है, लेकिन मेन जो आपका इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन रहना चाहिए वो ये बात रहनी चाहिए कि भैया आपका एफिलरेज मसाज से ही शुरू हो और एफिलरेज पे ही खत्म हो, समझ रहे हो, एफिलरेज मसाज से शुरू हो और एफिलरेज पे खत्म हो, तो एफिलरेज मसाज शुरू और एंड में सब जगह दी जाती है, मसाज शुड बी पेनलेस, जिसने ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल करेक्ट है भाई। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कैन बी डेवलप्ड विद, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस किस तरीके से डेवलप की जा सकती है, अभी बताया था आपको, कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट क्या होते हैं भैया, आपका फ्री वेट एक्सरसाइजेस या बॉडी एक्सरसाइजेस जो करते हैं, इलास्टिक स्ट्रेचिंग से क्या कर सकते हैं आप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक और PNF प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप और क्या कर सकते हैं भैया,
स्ट्रेच एंड होल्ड, स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड, ठीक है, ये चीज कर सकते हैं। तो जिसने राइट आंसर दिया प्लायोमेट्रिक, तो सभी को पता है अभी पीछे इसी के ऊपर चर्चा हुई थी इतनी बड़ी बड़ी, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, सॉरी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस पूछा है ना, तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस हो जाएगा आपका हिल रनिंग, ठीक है। प्लायोमेट्रिक तो आपका क्या बढ़ा रहा था अभी, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ चले जाता है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस अगर मान लो हिल रनिंग ना दे, हिल रनिंग तो चलो इसमें दे दिया राइट आंसर, हिल रनिंग अगर ना दे तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस किस चीज से डेवलप होती है, तो सर्किट ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग। और सर्किट ट्रेनिंग का इजाद किसने किया था भैया, आर ई मॉर्गन ने किया था और जी टी एंडमसन ने किया था, ठीक है। चलिए इतना ज्यादा कभी कभी कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ हो जाती है मामला, सिस्टम रहे। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के लिए कौन सा है तो ये भी पता है आपको। नेक्स्ट वन इज द डिस्ट्रप्शन ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज इन फीमेल इज टर्म्ड एज, तो ये क्वेश्चन आपका केवीएस में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका एचएसएससी में पूछा गया है शायद, या एचटेट में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आया था आपका एक बार अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ था, ये आया था आपका जम्मू कश्मीर के पीएससी यानी कि आपका पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अभी हुआ था पीजीटी का, ठीक है। चलिए बताइए, जिसने राइट आंसर दिया है बी, मेंसुरेशन डिसफंक्शन, उसके अलावा अगर हम बात करें आपकी कि पेनफुल, पेनफुल पीरियड, पेनफुल मेंसुरेशन, वो किसे बोलते हैं, एमेनोरिया किसे बोलते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो एब्सेंस ऑफ मेंसुरेशन साइकिल इज नोन एज एमेनोरिया, मेनार्क क्या बोलते हैं भैया, जो स्टार्टिंग का आपका मेंसुरेशन रहता है उसको मेनार्क बोलते हैं, यानी कि आपका फर्स्ट जो मेंसुरेशन साइकिल होता है उसको मेनार्क बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें आपका मेनोपोज, मेनोपोज तो मेनोपोज बोलते हैं जब आपका मेंसुरेशन स्टॉप हो जाता है एट द एज ऑफ 45 और 50, 50 साल की उम्र, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। उसके अलावा मेंसुरेशन में आपको ये चीज याद रखनी है कि कितने दिन का साइकिल होता है, तो 28 डेज का साइकिल होता है, ये बात याद रखनी है। कौन से दिन में आपका ओवुलेशन पीरियड माना जाता है, तो 12 से लेके आपका 18 दिन तक माना जाता है, जिसमें 14th डे आपका सबसे पीक पे माना जाता है कि ओवुलेशन पीरियड आपका ये, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसमें से रिलेटेड अगर आपको ये पता हो कि मेनार्क कब स्टार्ट होता है, तो लगभग यूं लगा लीजिए 12 से 13 भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है गर्ल्स में, तब स्टार्ट होता है आपका, ठीक है, एवरेज इतना लिया जाता है, तो 10 से 16 साल की उम्र में। और उसके साथ साथ में मेंसुरेशन साइकिल की क्या बात करें, तो आपका मंथली ये आपका मासिक धर्म चक्र, इसको पढ़ा रखा पेड क्लास में अच्छे से, पढ़ाया नहीं, मजा आया था उस दिन, हाँ भाई पेड़ वालों। व्हाट इंडिया नीड टुडे इज नॉट, इज नॉट भगवत गीता, यहाँ पे नॉट होना चाहिए, इज नॉट भगवत गीता बट फुटबॉल ग्राउंड, ये बात किसने कही थी, यूपी की धरती से प्रणाम, भारत की धरती से प्रणाम, चलो हरियाणा की धरती से तुमने भी प्रणाम भाई, जितने बहुत शानदार भाई जिसने दिया ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद, और इन्होंने कई बातें बोली ऐसे खेलों के संदर्भ में,
खेलों के संदर्भ में इन्होंने बहुत सारी बातें ऐसे बोली कि जहां पर भी आपको देखने को मिल जाए थोड़ा सा क्रिटिसिज्म श्रीमद् भागवत गीता का, या फिर मंदिरों का कंपैरिजन देखने को मिल जाए फुटबॉल ग्राउंड से, तो समझ लेना वहां पे राइट आंसर क्या है भी आपका, स्वामी विवेकानंद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द आइडियल बॉडी फैट लेवल इन वीमेन्स। आइडियल पूछ रहे हैं, याद रखना आइडियल का मतलब क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। सर एक टूर्नामेंट पर क्लास ले लीजिए, सौरभ चंद्र शुक्ला। अभी जितनी चीजें पॉसिबल है उतनी हम करवा रहे हैं भैया। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर बताइए भैया, आइडियल बॉडी फैट लेवल इन वुमेन्स। गणित क्वेश्चन तो आपकी वीडियो देख के याद हुए हैं, बहुत बढ़िया भैया, ऐसे होना चाहिए। तो जिसने राइट आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी, उसके अलावा देखिए बॉडी में फैट से रिलेटेड क्या पूछ लिया जा सकता है। तो फैट जो आपका होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। तो जहां ट्राइग्लिसराइड्स आ गया उसका मतलब है फैट। फैट हमें कितनी एनर्जी देता है अगर पूछ लिया जाए तो 9 किलो कैलोरीज देता है, जो हम खाते हैं वो 9 किलो कैलोरीज। उसके अलावा पूछ लिया जाए आपसे लिपिड्स का संबंध किससे, लिपिड्स भी फैट को बोलते हैं भैया, लिपिड्स। और अगर हमसे पूछ लें कि जो बॉडी में स्टोर होता है फैट, बॉडी में जो फैट स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं भैया, एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू। उसके अलावा पूछ ले आपसे कि जो बॉडी में फैट स्टोर है या हमारी बॉडी का जो एडिपोज टिश्यू है उसको नापने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, तो उसको नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं भैया, आपका स्किन फोल्ड कैलिपर। ठीक है, स्किन फोल्ड कैलिपर इसका यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, बेहतरीन वाले क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी जिसने दिया बहुत ही करेक्ट है भैया। ठीक है, उसके अलावा फॉर पीपल एज्ड, एज्ड की बात करें आपका 22-39 वुमेन शुड एम एट कितना, 21 से लेके आपका 32% तक, और मैन का रहना चाहिए 8-19% तक क्या फैट। ये आइडियल है, आइडियल है मतलब ओवर रेट नहीं होगा भैया। फॉर्मूला फॉर टारगेट हार्ट रेट, ये देखिए आपका केवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये केंद्रीय विद्यालय 2018 में आ गया था ये क्वेश्चन। वैसे अगर आपसे पूछ ले आपका कि मैक्सिमम हार्ट रेट कितना हो सकता है, मैक्सिमम हार्ट रेट, तो मैक्सिमम हार्ट रेट हो सकता है 220 माइनस एज। और रेस्टिंग हार्ट रेट पूछ ले, रेस्टिंग हार्ट रेट कितना होता है भैया, रेस्टिंग हार्ट रेट, तो रेस्टिंग हार्ट रेट आपका कब लिया जाता है, मॉर्निंग में जब बेड से उठता नहीं है इंसान, तो खिलाड़ियों को लिया जाता है सोते रहते, खिलाड़ियों में कम पाया जाता है, लगभग 55 से 60 नॉर्मल इतना पाया जाता है। वैसे नॉर्मल आपका हार्ट रेट देखे तो कितना मिलता है आपको, 72, 72 बार एक मिनट में। ठीक है, और अगर हम कार्डियक आउटपुट की बात करें, कार्डियक आउटपुट तो लगभग लगभग 5 लीटर, और अगर हम बात करें स्ट्रोक वॉल्यूम की तो लगभग लगभग 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या भैया, एक बार में कितना हृदय से ब्लड निकल रहा है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या दिया है भैया, ऑप्शन नंबर सी, बहुत शानदार भाई, जिसने भी सी दिया बिल्कुल करेक्ट है। उसके अलावा देख लो भाई, मैक्सिमम हार्ट रेट एक हाईएस्ट लेवल है किसी भी एक व्यक्ति की, रेस्टिंग हार्ट रेट क्या है कि सबसे मिनिमम कितना हो सकता है, सोते हुए आपका कितना हो सकता है, जब आपकी बॉडी यूज नहीं कर रही हो आपका कुछ भी ऑर्गन, कुछ भी मतलब कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जो आपके मेनली लिम्स वगैरह यूज नहीं कर रही हो, मसल्स यूज नहीं कर रही, बाकी तो इंटरनल तो यूज होते ही है, ब्रेन में तो जाती है भैया, सोते वक्त आपका कितना कम से कम जा सकता है उसको रेस्टिंग हार्ट रेट बोल सकते हैं, और मैक्सिमम कितना जा सकता है वो आपका क्या है, टारगेट हार्ट रेट या मैक्सिमम हार्ट रेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये है भैया आपका कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है, सारी परेशानियां वहां आके थम जाती हैं जहां आपका साहस बड़ा हो जाता है। तो सबसे मेन चीज रखो साहस, किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी चीज के लिए लाइफ में वो जरूरत है, तो सिर्फ हौसले की जरूरत है,
हौसलों के दम पे दुनिया जीत ली जाती है। कई ऐसे रहते हैं कि जिनके पैर नहीं होते, हाथ नहीं होते, एक आंख नहीं है, दोनों आंखें नहीं है। जिंदगी में उनका नाम आप देखते हो, कभी अखबार में आता है कि उसने वो फलानी चोटी जो है फतेह हासिल कर दी, उन्होंने माउंट किलिमंजारो चढ़ लिए, वो वहां चले गए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के। जब वो ऐसे ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं, तो आपके पास तो भगवान ने सब कुछ दे रखा है, तो आप क्यों घबराते हो किसी चीज से? किसी से कंपेयर मत करो अपने आप को, अपना फोकस अपने ऊपर रखो कि मैं क्या कर सकता हूँ जिंदगी में सबसे अच्छा, मैं अपने माता पिता के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं इधर मत देखो उसकी तैयारी कैसी चल रही है, उसका इतना चल रहा है, किसी का मत देखो, अपना देखो तुम्हारा कितना है, तुम कितना जानते हो, जो जितना तुम मेहनत करोगे उतना तुम्हें मिल जाएगा, ये बात 100% श्योर है। दूसरों को देख के कभी मतलब सबको अलग अलग रोल मिला है लाइफ में, तो हमें अलग रोल मिला, आपको अलग रोल मिला है, तो मैं आपको कंपेयर करने लगूं कि भाई उसकी तो बॉडी इतनी तगड़ी है, वो तो इतना अच्छा याद कर लेता है, तो मैं कभी भी आपके जैसा नहीं बन सकता, आप मेरे जैसे नहीं बन सकते। ऐसे ही सबकी रोटी ना, ऊपर वाले ने सबकी रोटी अलग अलग दे रखी है कि भैया तुम्हारी रोटी यहाँ फिक्स है, तुम्हारी रोटी यहाँ फिक्स है, तो जिसकी रोटी जहाँ लिखी है उसको वहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी कर लो आप, उसकी रोटी कोई छीन ही नहीं सकता। तो दुनिया पूरी आके भी लग जाए ना ताकत लगा के उसको नीचे खींचने में, तो कोई खींच ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी लिखी है वहां पे, तो जहां तुम्हारी लिखी है वहां तुम्हें मिलेगी, बस जरूरत है तो मेहनत करने की। इसी तरीके से वीडियो को प्यार दो। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तैयारी करते रहो इसी तरीके से।